हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? मैं बिल्कुल ठीक, आप सब बताइए। आई होप आप सब बच्चे होंगे। तो बस मैं यहाँ पे लगा रही थी बाहर झाड़ू, तो बस ये बाहर मैंने आपको एरिया दिखाया हुआ है। यहाँ पे काफ़ी सारे गमले हैं, गाड़ी भी खड़ी हुई है। तो बस मैं यहाँ पे मॉर्निंग का 6:30-7 बजे का टाइम है, तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और यहाँ पे रोज़ झाड़ू ना लगाओ तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो मेरा मन नहीं मानता। तो मैं डेली यहाँ पे मेरा झाड़ू लगाने का मॉर्निंग का काम है। जब तक मैं यहाँ पे झाड़ू नहीं लगा लेती तब तक मैं अपना अंदर का काम शुरू नहीं करती। और इसके बाद फिर मैं थोड़ा सा अपना अंदर का रसोई का या पूजा घर की थोड़े से झाड़ू लगा के फिर अपना काम शुरू कर देती हूँ। तो बस मैं फटाफट यहाँ पे अपना काम पूरा करके उसके बाद दूंगी मैं कपड़े। तो बस फ्रेंड्स, हैंड वॉश मेरी रिक्वेस्टेड वीडियो थी तो मैंने उसको पूरा कर दिया है। तो फटाफट यहाँ पे मैं कपड़ों को फैलाने आ गई हूँ बाहर के मतलब बैक साइड एरिया जो है, जहाँ पे मैं काफ़ी बार आपको झाड़ू और सफाई करती हुई दिखी हूँ, तो ये वहीं का एरिया है। और यहाँ पे भी काफ़ी सारे पौधे हैं क्योंकि मम्मी को पेड़ों का बहुत शौक है। और बिल्कुल कैमरे के सामने, जस्ट सामने जो ये पेड़ आ रहा है, ये गुलाब का पेड़ है। और मेरे सारे कपड़े सूख चुके हैं। डेली वेयर के कपड़े मैं हाथ से ही धोती हूँ, थोड़ा मसल्स भी चलती हैं, हाथों की एक्सरसाइज भी हो जाती है। और उसके बाद बस मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में मैंने दाल तो बना दी थी और सब्जी भी बना दी थी, बस चावल थोड़े से मेरे को बनाने थे। तो क्या होता है कि मम्मी से जो है चावल खाए नहीं जाते हैं, तो मैंने सोचा चलो आज कुकर में एक सीटी लगा के जीरा राइस बना देते हैं तो अच्छे बन जाते हैं। तो मम्मी उनको बहुत ज़्यादा आराम से खा लेती है क्योंकि मम्मी को दांतों से चबाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा सा मैंने सोचा चलो आज ऐसे बना देते हैं। तो आज मैंने बनाई थी मिक्स दाल, मिक्स दाल के साथ बनाई थी मैंने भूजी और उसके साथ बनाए थे मैंने जीरा राइस।
तो आप लोग भी आ जाइए। मैं गरम गरम रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। पहले निकालूंगी गाय की, फिर निकालूंगी, फिर खिलाऊंगी लड्डू गोपाल को, और उसके बाद खिलाऊंगी अपने घर के मेंबर को। तो आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मेरा काम फिनिश थोड़े बहुत देर में होने वाला है, और सुबह का उठ के यहाँ तक जब तक मेरा काम फिनिश होता है, और जब मैं इसके बाद खाना खाती हूँ तो बॉडी जवाब दे जाती है। तो मन करता है कि पहले थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर मैं अपने और काम करती हूँ, क्योंकि एक साथ लगातार काम करने से बॉडी ज़्यादा थक जाती है। अगर आप रेस्ट दे के काम करते रहते हो तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो फटाफट मैं यहाँ पे रोटियाँ निकाल लूँगी, गाय की निकालूंगी, फिर लगाऊंगी लड्डू गोपाल का भोग, क्योंकि थोड़ा सा करते करते जब एक एक काम करती हूँ ना तो थोड़ा सा लेट हो ही जाता है, पर जल्दी उठ। तो बस फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था थोड़ा लॉन्ग टाइम से मैं बिज़ी चल रही हूँ, क्योंकि मम्मी के पहले करवा चौथ एंड करवा चौथ पे चोट लग गई थी और उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, और उनके जो है पैर की तरफ बाल भी आया है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है काम करने में, सब कुछ करने में। तो बस ये हम शाम को जो है मंदिर आए थे, तो मंदिर हम गाय का सामान काफ़ी सारा लेके आते हैं, तो वो सब देने आए थे। तो सामने जो है हमें पता लगा कि गाय पड़ी हुई थी, तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर हमने जब गुरुजी से पूछा तो उन्होंने बताया कि गाय को 10 दिन से जॉइंटिस था और वो आज मर गई है, और बड़ा अजीब सा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। फ्रेंड्स, जब किसी मैं कहती हूँ बात इंसान या जानवर की नहीं होती, जब किसी के जाने की बात सुनते हैं तो बड़ा बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो ये सब मतलब लोग आए हुए थे इसको यहाँ पे उसमें गाड़ी में रखने, तो बड़ा मुश्किल हो रहा था उनको उठाना। तो पहले गुरुजी ने जो है उसका टीका करा, उसको रोली चावल और गंगा जल तो उसको पहले ही पिला दिया था, और तुलसा भी मतलब मुँह में खिला दी थी। तो बस यहाँ पर इसको ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। जय देवी मैया, जय मान मिला सम्मान। बस फ्रेंड्स, देख लीजिए उसको मतलब धीरे धीरे अंदर गाड़ी में धकेल रहे हैं, और ये रखी थी, ये जो कट्टे रखे हैं, पहले तो मैं समझ नहीं पा रही थी, बट हस्बैंड ने बताया ये जो है नमक होता है, क्योंकि जानवर को हम जला नहीं सकते, उनको दफनाते हैं तो नमक में दबा देते हैं, तो नमक से उनका शरीर जो है गल जाता है। तो बस फ्रेंड, चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप लोग अपना ध्यान रखना और बताना आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी, और मेरे लड्डू गोपाल से जय जय कर लीजिए। तो चलिए फिर, ओके, टाटा, बाय बाय। कोई नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक, शेयर, कमेंट करना। बाय बाय।